Thank you.
बाबा ने बच्चों को इतना छुट्टी दी कि कितना की छोटी मुझे लाचारी हालत में तो ले सकते बोल के बाबा इतना छुट्टी दी, पहले तो नहीं दिया मैं इतना। लाचारी हालत में दूध और डबल रोटी भी ले सकते हैं ये भी बोला है, बाकी ऐसा नियम नहीं बनाए लेना है कि जहाँ मौका मिला वहाँ खाना शुरू कर दिया। स्वयं भू कहा जाता है। हाँ भू माना जन्म लेने वाला, स्वयं भू माना स्वयं जन्म लेने वाला, उसको कोई बाप जन्म नहीं देता है, वो स्वयं ही संसार में जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म लिया। पहले बच्चा गुप्त था, बाद में संसार में प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन उसको तो बाप ने जन्म दिया। लेकिन भगवान स्वयं भू है, उसको कोई बाप नहीं है जो जन्म देता हो, वो स्वयं संसार में प्रत्यक्ष होता है। माया कितना भी अपोजिशन करे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और बाप एक तरफ हो जाए तो भी उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म को कोई रोक नहीं सकता, वो प्रत्यक्ष हो करके ही रहेगा। इसलिए उसको कहते हैं स्वयं भू, खुदा तो खुद है। सूर्य कौन है और वरदान कैसे देता है? और पांडव किसके पुत्र थे? पांडव पंडा के पुत्र थे। पंडा कहा जाता है पंडयति रास्ता बताने वाले को, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। तो पंडे के पुत्र हुए पांडव, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला पंडा कौन है? रूहानी बाप है या जिस्मानी बाप है, कौन है? रूहानी बाप। और जिसको सूर्य कहा गया वो व्यक्तित्व है जिसको पहले पहले ज्ञान मिलता है। भगवान रूहानी बाप आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो सूर्य साकार है या निराकार है? जो ज्ञान लेने वाला है साकार है, और उस साकार की उपासना से जो पैदाइश होती है वो सूत पुत्रों की पैदाइश है।
ऐसी गलती बहुत होती है कि बेसिक नॉलेज में बहुतों ने ब्रह्मा को ही ज्ञान देने वाला समझ लिया। ये बुद्धि में नहीं बैठा कि ब्रह्मा के अंदर ज्ञान देने वाला निराकार शिव है। ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझ करके बैठ गए। तो वो है भक्ति मार्ग। ऐसे ही राम साकार को भगवान समझ करके जब कुंती बैठ जाती है उपासना करने के लिए, तो देहधारी धर्मगुरुओं से वरदान मिलता है। भगवान ना आशीर्वाद करता है और ना वरदान देता है। तो जो कर्ण बच्चे की पैदाइश हुई वो देहभान की पैदाइश है। बल कर्ण उतना ही ताकतवर था जितना अर्जुन था, परंतु बुद्धि कैसी बन गई, किसको सहयोग दिया, भगवान को सहयोग दिया या कौरवों को सहयोग दिया? फिर भी कौरवों को सहयोग दिया, भगवान का मुकाबला किया। सूत पुत्र कहा गया क्योंकि नीचों के द्वारा उसकी पालना हुई। और कहा जाता है दुष्यंत और शकुंतला इसलिए कुंत और कुंती शब्द पक्षियों का सूचक है। जैसे कहा जाता है ज्ञान परियां, ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली। तो पांडवों के पक्ष में जो कन्याएं माताएं होती हैं सहयोगी, उनमें मुख्य का नाम है कुंती। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाला पक्षी कोई उन जानवर पक्षियों की बात नहीं है। यहाँ ही सब द्रौपदियाँ और कुंतियाँ हैं। और वो तो थे ही देवताएं, वो तो ऑटोमेटिक देवताएं थे ही, उनसे जन्म थोड़े ही लेते हैं। देवताएं होते कहाँ हैं कलयुग में जो पांडवों को जन्म देंगे? कलयुग के अंत में देवताएं होते हैं क्या? होते हैं तो जन्म कहाँ से देंगे? वो स्वयं ही देवात्माएं हैं जो पुरुषार्थ से मनुष्य से देवता बनते हैं। और पर्वत सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? घाट की उत्थान और पतन की बोल के लिखा हो सीढ़ी की सीढ़ी के ऊपर घाट की उत्थान और पतन की कथा बोल के लिखा है ना? इसमें ये तो संगम का शूटिंग में सब चार अक्षरमा का शूटिंग होता है। चार अक्षरमा का शूटिंग यहाँ होता है। क्या छोटी की बातें हैं? भारत की तो इच्छा नहीं है ना, पतन की तो बात नहीं है ना शूटिंग में। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो कभी तूफान आ जाता है,
तो ये जो माया के तूफान जब आते हैं तो ऐसे नहीं कि पहाड़ी पे चढ़ने वाले चढ़ते ही चले जाएंगे, उनको शरण लेनी पड़ती है। नीचे उतर करके कोई शेल्टर लेना पड़ता है। ऐसे ये भी पुरुषार्थ मार्ग के जीवन में ऐसे होता है, माया का जब हमला होता है, माया के तीखे तीखे तूफान आते हैं तो नीचे उतर करके मोर्चा लेना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए हम नीचे उतरे हैं। लक्ष्य हमारा नीचे उतरने का नहीं है या नीचे उतर करके भाग जाने का नहीं है। साकार लोग के ऊपर सूरज चांद और सितारे दिखे, वो नाग सूर्य नाग चंद्रमा और सितारों का यादगार है और उसके ऊपर सूक्ष्म लोग दिखा। सूक्ष्म लोग नहीं दिखाया है कोई भी, वो जो दिखाते हैं वो सिर्फ बुद्धि की ऊंची स्टेज दिखाई गई है, जो इसे साकार दुनिया को भूल जाते हैं। साकार दुनिया को भूलने के बाद तीन स्टेजेस बनती हैं। एक है ब्रह्मा की स्टेज, जो नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में ही रहता था, उनको नई दुनिया ही दिखाई पड़ती थी, लेकिन वो दुनिया नई कैसे आवेगी ये उनकी बुद्धि में नहीं चलता था। जैसे कोई बच्चे को खिलौना दे दिया जाए तो उस खिलौने से खेलता रहता है, ऐसे ही बच्चा बुद्धि जो ब्रह्मा है वो ऊंची स्टेज में रहता था, लेकिन वो ऊंची स्टेज इतनी ऊंची स्टेज नहीं है जिसे कहा जाए कि नई दुनिया में पहुंचने वाला तरीका जान जाए। तो तरीका जानने के लिए दो रूप हैं, एक प्रैक्टिकल रूप और दूसरा है प्लानिंग रूप। जो प्लानिंग पार्टी है वो प्लानिंग करती है नई दुनिया की, कैसे नई दुनिया आवेगी, क्या तरीका होगा, इन बातों में रमण करती है, और साकार दुनिया को भूली हुई रहती है। वो बौद्धिक सबसे ऊंची स्टेज है, उनके बनाए हुए नक्शे के आधार पर फिर प्रैक्टिकल पार्टी चलती है और नई दुनिया का निर्माण करती है। इसलिए उनको न सबसे ऊंचा और न नीचा कहेंगे, मीडियम। तो ये बौद्धिक तीन प्रकार की स्टेजेस हैं, एक प्लानिंग पार्टी सबसे ऊंची स्टेज के बौद्धिक स्तर में मनन चिंतन मंथन करने वाली, और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टी, और तीसरी है इंस्पिरेटिंग पार्टी। अपना शरीर नहीं रहता है फिर भी प्रैक्टिकल पार्टी और प्लानिंग पार्टी के बच्चों में प्रवेश करके उनको उमंग उत्साह देती रहती है, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर रहता है, वो एक क्षण में भी कहीं से कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। तो वो सूक्ष्म बटन सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया है तीन पुरियों में, बाकी कोई होता नहीं है। सिर्फ ये दिखाया गया है कि साकार दुनिया से, पांच तत्वों की दुनिया से बुद्धि परे की स्टेज में कैसे रहती है। इसलिए मुरलियों में कई जगह बोल भी दिया है सूक्ष्म बटन क्या होता है, कुछ भी नहीं। वो ऊपर इसलिए दिखाया गया है कि वहां सिर्फ बीज रूप स्टेज है,
मन चिंतन मंथन भी नहीं है, मन की कोई स्टेज नहीं है, मन अमन हो जाता है, सिर्फ स्वरूप में स्थित होने की बात है। बाबा ने बोला मरणा मिट्टी पर उतार लेंगे। परम धाम इस सच्ची पर उतार लेंगे का मतलब ये हुआ कि जो भी बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाली संपन्न बीज रूप आत्माएं हैं, जो आत्म की स्थिति पक्की धारण कर लेती है, सब नहीं पक्की आत्म की स्टेज धारण करती, देवान रह जाता है, लेकिन जो 4.5 लाख 9 लाख आत्माएं पक्की बीज रूप स्टेज धारण कर लेती हैं, आत्मा बन जाती हैं, वो ऐसे स्थान पर एक जगह इकट्ठे होकर तपस्या करेंगी, बीज रूप स्टेज में रहेंगी और उनके वाइब्रेशन से जहां उद्धार होना होगा वहां उद्धार होगा और जहां प्रहार होना होगा वहां प्रहार होगा। जिनका विनाश होना होगा उनका विनाश होगा और जिनकी स्थापना होनी होगी उनका उनकी स्थापना होगी। वाइब्रेशन सारा कार्य करेगा, हाथ पांव चलाने की कोई बात नहीं, बाग दौड़ करने की बात नहीं रहेगी। आज 70 साल हो गए भाग दौड़ करते करते, वाचा की सेवा करते करते, संसार में कितनी परसेंटेज आत्माएं ऐसी निकली जो भगवान को पहचानने वाली निकली, कहेंगे ना के बराबर। तो ये वाइब्रेशन कैसे फैलेगा दुनिया में? मन को कंट्रोल करने के आधार पर फैलेगा, वाइब्रेशन से ही दुनिया का सारा कार्य होगा। इधर हम संकल्प करेंगे और उधर कार्य होगा। और संकल्पों की सिद्धि करने के लिए मनमानी रज रज के बातें की जाए, जो बातें अच्छी लगती हों, जो लोग अच्छे लगते हों उनके साथ रात रात भर बातें की जाए, दिन में सोया जाए, तो आराम से संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ ना कुछ तो करो। अगर नहीं हो जाएगी तो फिर इसका उल्टा करो, जैसी श्रीमत पर बाप चलाना चाहता है ऐसे ही हम कर्म करेंगे और बात करेंगे और ऐसा ही संग करेंगे, तो जरूर संकल्पों की सिद्धि होगी। श्रीमत के वर खिलाफ आचरण करने से संकल्पों की सिद्धि कभी नहीं होगी। श्रीमत से सदगति, सदगति पहले बुद्धि की होगी या शरीर की होगी? पहले बुद्धि की सदगति होती है। बुद्धि में संकल्प मात्र ही ऐसे आवेंगे जिससे हमारा और दूसरों का कल्याण हो। जर्मुई और झगमुई की बातें खलास हो जाएंगी। और बाप आते हैं तो बाप अकेला जन्म लेते हैं या बच्चों के साथ बाप का जन्म होता है? जिन बच्चों के साथ जन्म होता है
उन बच्चों में कोई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो सेवादारी ना हो। कैटेगरीज हो सकती है, ब्रह्मा जैसे सेवाधारी, विष्णु जैसे सेवाधारी, शंकर जैसे सेवाधारी, बाकी ऐसे नहीं कि सेवाधारी ना हो। शंकर जैसे आप सेवाधारी निकलते हैं, बाप समान स्टेज को धारण करने वाले, तो सेवा के भी साथी हैं, जन्म के भी साथी हैं। हाँ, जब तीन प्रत्यक्ष होते हैं तो तीन में पहला पहले आगे आता है, बाप के तीन बच्चे। शिव बाबा पूछते हैं, शिव बाबा को कितने बच्चे, कोई कहते एक ब्रह्मा बच्चा है, कोई कहते 500 करोड़ है। मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, एक ही हो गए, बाकी रहा शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ, शंकर बड़ा बच्चा हुआ। बड़ा बच्चा है तो बच्चे भी तो पहले पैदा करेगा कि बाद में पैदा करेगा। अरे बड़ा बच्चा है तो बड़ा बच्चा पहले बच्चे पैदा करेगा ना, तो यज्ञ के आज में ही वो 8 पैदा हो चुके थे। जिनमें 4 और 4 भाई बहन की जैसे जोड़ी थी, क्या करने वाले करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले। हाँ मंत्र मांत्रिक होते हैं, तंत्र करते हैं, तंत्र विद्या है? असर पड़ेगा अल्पकाल का, उतना ही पड़ेगा जितना हमारे पूर्व जन्म के खराब कर्म होंगे। अगर हमारे खराब कर्म खलास हो जाएंगे याद के बल से या भोग के बल से, तो रिद्धि सिद्धि का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, मर भी जाते हैं, मन शरीर छोड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे वाकया होते हैं जिनमें भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं और वो प्रवेश करके उनकी जान ही ले लेती है। जब ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो मन है, वो मन चलाने में सबसे ठीक है। तीखा घोड़ा है, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव मन चलाता है, शिव तो असोचता है, उससे कुछ मंथन करने की या सोचने करने की दरकार ही नहीं है। मना शिव और शंकर की आत्माएं अलग अलग नहीं है, हैं?
राम और कृष्ण दो ही तो आत्माएं हैं, जो नंबर वार ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। शिव तो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाता, तो जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों में श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनमें शिव का प्रवेश होता है। इससे साबित हो जाता है कि शिव तत्व अलग है और शंकर की आत्मा अलग है और ब्रह्मा की सोल अलग है। शिव शंकर को एक तो नहीं कर सकते। एक तब कहा जाए जब शंकर याद करते करते बाप समान स्टेज को धारण कर ले। जैसे लौकिक दुनिया में होता है, बच्चा बाप का सहयोगी बनता है एंड संस कोई कंपनी तैयार होती है, कंपनी जोरों से चल पड़ती है और बच्चे के हाथ में कंपनी का सारा तंत्र आ जाता है। बाप बाणप्रस्थ होकर के घर में बैठ जाता है। ऐसे ही यहाँ शूटिंग होती है। सुप्रीम सोल बाप आता ही है आप समान बनाने के लिए। इतने पुरुषार्थी हैं, सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना। 500 करोड़ पत्ते हैं, इनमें कोई तो पत्ता ऐसा होगा जो पुरुषार्थ करके पहले पहले बाप समान स्टेज को दान कर ले। तो जो पहले पहले बाप समान स्टेज को दान करता है संसार में उसका नाम बाप के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आज भी एंड संस कंपनी लिखा जाता है, ऐसे ही शिव शंकर भोलेनाथ लिखा जाता है। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। शंकर शिव भोलेनाथ नहीं कहा जाता, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। एक तो मुर्दा है उसके दिखाएंगे तो उसी को याद करने लग पड़ेंगे। वो पत्थर बुद्धि है या हीरा है? फिर जब समान बन जाए तब की बात है। और मनुष्य शक्ति रूपी व्यक्ति का बीज भी साकार। कल्प वृक्ष जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है उसका बीज है, या आत्माओं का जो वृक्ष है उसका बीज है? मनुष्य सृष्टि का बीज है। अगर वृक्ष साकार होगा तो बीज भी साकार होगा, और अगर आत्माओं का जो वृक्ष है वो निराकार है तो उसका बीज भी निराकार होगा। वो है शिव और वो है आदम, एडम या प्रजापिता। शिवालय में दो नंदी होते हैं ना बाबा, दो नंदी, एक
शिवलिंग की निकटता और एक बाहर में एक और नंदी जी का शिवालय दो नंदी जी का है। हमारा दक्षिण भारत में दो यहाँ दो नंदी शिवालय वो बैलों की जोड़ी तो कांग्रेस में भी प्रसिद्ध हो गई। जब शुरुआत में गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस की निशानी क्या थी? दो बैलों की जोड़ी। उस समय यज्ञ में भी दो बैलों की जोड़ी थी। राम और कृष्ण ये दोनों बैल ही हैं। हाँ जी हाँ हाँ चौमुखी महादेव कहा जाता है। कंपिल में एक मंदिर बना हुआ है। जमीन में जो लिंग रखा हुआ है अष्ट धातु की मूर्ति का वो चार मुख वाला है। ब्रह्मा के चार मुख जो दिखाए जाते हैं वो भी उसी का प्रतीक है। शिव ही उनमें प्रवेश करता है तो ब्रह्मा नाम कहा जाता है, इसलिए चौमुखी महादेव कहा जाता है। जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं 5000 वर्ष, इसलिए जन्म मरण के चक्र से न्यारा। और शंकर शूटिंग पीरियड में बेहद के जन्म मरण चक्र से न्यारा है। ना उसका निश्चय रूपी जन्म होता है और ना उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है, इसलिए शंकर को भी जन्म मरण से न्यारा बताई दिया। वो एक ही है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। साकारी आकारी होते हुए भी मन बुद्धि की स्टेज से एक जगह स्थिर होकर के रहता है। बाकी जितने भी आत्मा रूपी सितारे हैं वो सब चक्कर काटते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, एक ठिकाने पर नहीं रहते, उन्हें ठिकाना नहीं मिलता सदा काल का। हाँ ये होता है कोई का छोटा चक्कर और कोई का बड़ा चक्कर। कोई सितारा बहुत नजदीक रहता है छोटा चक्कर काटता है, और कोई सितारे बड़े लंबे लंबे चक्कर काटते हैं। ज्यादा ही अनिश्चय के चक्र में आते हैं, इसलिए बोला सबसे ज्यादा चक्र में कौन आता है? सबसे ज्यादा अनिश्चय अनिश्चय के चक्र में ये ब्रह्मा की सोल आती है। क्योंकि ये उपग्रह है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा
पृथ्वी के भी चक्कर काटता है और साथ साथ सूर्य के भी चक्कर काटता है, इसलिए सबसे जास्ती चक्कर ब्रह्मा के होते हैं। और जिस समय ज्ञान में आती है, चाहे बेसिक ज्ञान में आती है या एडवांस ज्ञान में आती है, उस समय वो सतोप्रधान स्टेज की शूटिंग करती है। धीरे धीरे सतोप्रधान से औरों के संग का रंग बढ़ता जाता है। जितना जितना संग के रंग में आती जावेगी, उतना उतना जल्दी भगवान से संपर्क करती जावेगी। जैसे इब्राहिम का आधार मूर्त जो सचिव में सेकंड नारायण बनता है, वो संग निधि शूटिंग में जाती से जाती आत्माओं के संग के रंग में आता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का आधार मूल है। इसलिए वो त्रेता का अंत आते आते ज्यादा ही तमोप्रधान बन जाता है। और तो पतित आत्मा में अब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती है। तो कोई के तमोप्रधान बनने की स्पीड ज्यादा होती है और कोई के तमोप्रधान बनने की स्पीड कम होती है। जो जितना ही परिस्थिति में स्थित होकर के रहता है वो तमोप्रधान भी कम बनता है, और जो जितना ही पर चिंतन में और देह के चिंतन में ज्यादा रहता है वो उतना ही तेजी से तमोप्रधान ज्यादा बनता है। एक के संग के रंग में रहने से सात्विकता आती है और अनेकों के संग के रंग में रहने से शांतिपना आता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सेतु बंधु रामेश्वरम दक्षिण भारत में है तो राम की आत्मा वहां से आती होगी। ये तो यादगार बनी हुई है मात्र। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है तो सोमरूपी चंद्रमा गुजरात से आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आ भी सकता है न भी आ भी सकता है। शिव को परम पिता कहेंगे, परम आत्मा तब कहें जब आत्माओं के बीच में परम पाठ बजाए, उसकी आत्माओं से भेंट नहीं की जा सकती।
केवल ज्योति बिंदु का नाम है, सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसका अन्य आत्माओं से तालमेल नहीं बैठाया जा सकता, इसलिए उसकी सुपरमेसी भी किसी के साथ नहीं है। उसे जैसा पार्ट कोई नहीं बजाता, इसलिए सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाकी 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में जो सुपरमेसी का पार्ट बजाता है, हीरो पार्ट बजाता है, वो परम आत्मा कहा जाता है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, इसलिए जैसे दो शब्द मिला करके एक कर दिए शिवशंकर भोलेनाथ, ऐसे ही दो टाइटल मिला करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता शिव के लिए यूज हुआ है, और परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस आत्मा के लिए यूज होता है। दोनों को मिलाकर के परमपिता परमात्मा पाठधारी कहा जाता है। और शिव परमात्मा में शिव अनंत और परमात्मा, शिव परमात्मा कहते हैं लेकिन ये रंग है, शिव परमपिता है, उसका कोई पिता नहीं। जब कहेंगे परमात्मा तो आत्माओं के बीच में परम कौन? शिव की तो भेंट नहीं कर सकते आत्माओं के साथ। और वो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, आप सोते रहेंगे। ऐसी दीदी दादियां बहुत हैं जो यज्ञ के आदि से आई हुई है, वो बेसिक नॉलेज में ही पड़ी हुई है, और उन्होंने जिनको ज्ञान दिया वो एडवांस नॉलेज में आगे बढ़ गए। पुरुषार्थ की बात है, गुरु गुड़ रह जाते हैं, केला चीनी बन जाते हैं। कोई जरूरी है कि हर एक श्लोक, हर एक गीता, हर एक कविता और हर एक गीत उसका अर्थ हर एक की बुद्धि में आ जाए? गीतों का अर्थ बाबा ने मुरली में हमें बताया तो हमने उसका बेहद का अर्थ समझ लिया, लेकिन इन गीतों का अर्थ पहले किसी की बुद्धि में क्यों नहीं आया? ऐसे ही अव्यक्त वाणी जो चलती है, जिन्होंने एडवांस उठाया हुआ है कोर्स, उनकी बुद्धि में अव्यक्त वाणी का गुह्यार्थ बैठता है, और जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं उठाया हुआ है, बेसिक कोर्स के आधार पर ही चल रहे हैं, उनकी बुद्धि में एडवांस का गुह्यार्थ नहीं बैठता। अपने संस्कारों, अपने संकल्पों, अपने वाइब्रेशन के वायुमंडल के आधार पर उसका गर्भपिंड तैयार हो जाता है। अंदर होने की संकल्प कोई भी नहीं।
संकल्प नहीं करेगा लेकिन आँखों से ऐसे कर्म तो किए जो उसको एहसास होते हैं कि हमने बहुतों को फंसाया है, बहुतों को इन आँखों से दुख दिया है और धोखा दिया है, वो अंत समय में याद तो आता है, तो उसको अंधा बना देता है। जन्म हुआ वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जन्म हुआ, और जो पालना हुई वो भी पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हुई। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं कि जन्म एक जगह हुआ, एक माँ बाप से हुआ, और वो माँ बाप पालना नहीं कर सके, पालना करने के लिए यशोदा और नंद निमित्त बने। ऐसे बहुत सी आत्माएं होती हैं, उनके कर्म ही ऐसे हैं कि अपने बच्चों को जन्म दे करके उनकी पालना नहीं ले सकते। पालना करने के निमित्त नहीं बन सकते, सिर्फ जन्म देने तक का उनका हिसाब किताब है। जैसे कि कोई आत्मा जन्म लेती है माँ बाप से और शरीर छोड़ देती है, तो जन्म लेने की खुशी खुशी तक सीमित है, बाकी जन्म देने के बाद फिर दुख पैदा हो जाता है। तो सब पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से होता है। बुरा है ही नहीं, देह बुरी होती है कि आत्मा बुरी होती है? आत्मा पूर्व जन्म के हिसाब से बनती है, वो कर्म भोग भोगती है, या देह के हिसाब से भोगती है? देह का हिसाब किताब भी आत्मा के पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से बनता है? अच्छा बुरा आत्मा नहीं होती है, देह के रूप में देखेंगे तो कोई अच्छा बुरा नहीं, आत्मा के रूप में देखेंगे तो आत्मा में अलग अलग प्रकार का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कोई ने अच्छे कर्म किए हैं, कोई ने खराब कर्म किए हैं। हाँ, पूर्व जन्मों का हिसाब, पूर्व जन्म में ऐसे खोटे कर्म किए या अच्छे कर्म किए हैं जिनके आधार पर आत्मा को प्राप्ति होती है अगले जन्म में। जन्म लेते तो गर्मी में पाप समाप्त होती है ना? हैं? जन्म लेने के पहले गर्मी में पाप समाप्त होती है ना आत्मा का? जन्म लेने से पहले पाप खत्म हो जाते हैं, सब पाप खत्म नहीं होते। पाप खत्म होने का भी हिसाब है, जो कर्म बहुत तीव्र गति से किए जाते हैं उनका हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाता है, और जो कर्म बहुत धीमी गति से किए जाते हैं उनका हिसाब किताब कई जन्मों के बाद पूरा होता है। जैसे हम कोई तीखा संकल्प करें और तीखा पुरुषार्थ करें तो इसी जन्म में हम परीक्षा पास कर लेते हैं, और थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई पढ़े, ज्यादा तीव्र इच्छा न रखें तो कई साल लग जाते हैं पास होने में। ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति है। एक पुरुषार्थ के तीव्रता के आधार पर है, संकल्प की तीव्रता के आधार पर है। Yeah.
पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे ना कृष्ण के साथ, कृष्ण की आत्मा के साथ बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। ये क्यों बोला? जो पूर्व जन्म है 63 जन्म, उन जन्मों में राधा की आत्मा ने कृष्ण के साथ कुछ जन्म जन्मांतर ऐसा हिसाब किताब जोड़ा है, जो उनके साथ रहकर कोई पाप कर्म नहीं किया, प्यार का ही रिश्ता निभाया है, वो गोपनीय नंबर वार निभाया है। कोई वहां भी हरामजादी बन गई होंगी, यहां भी हरामजादी बनती है। कोई वहां भी उस्ताद बन गई, यहां भी उस्ताद बन जाती है। कोई वहां भी पट रानियां बन गई थी, यहां भी पट रानियां बन जाती है। लंबे समय तक बड़ा लंबा पुरुषार्थ बढ़िया, और अंत समय में धोखा दे जाती तो पट में गिरती। सब पूर्व जन्मों का बना बनाया खेल है, लेकिन पता नहीं है। अभी जैसे जैसे रील खुलती जाती है तो पता लगता जाता है कि किसने कैसे कर्म किए हैं। जैसे बाबा बताते हैं, अंत में सबको पता लग जाएगा कौन दास राशि बनता है, कौन चांडाल बनता है, कौन राजा रानी बनता है, कौन महाराजा महारानी बनता है, हैं? अंत समय कब? अभी भी देखने में आ रहा है, अभी अष्टदेव नहीं क्लियर हो रहे हैं। तुमको मालूम ही नहीं? चलो थोड़े दिन के बाद जब 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाए उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। ऐसे हो सकता है? या 1008 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी तब पता चलेगा? सब मानेंगे, ऐसा नहीं होता है कि सब मान लें एक साथ। अपोजिशन होता है पहले, उस अपोजिशन के बीच में पता चलता है कौन कितना ऊंचा बनने वाला है और कौन कितना पावरफुल है। पावरफुल होगा तो मुकाबला करता चला जाएगा और ईश्वर उसको मदद करता चला जाएगा। कमजोर होगा तो ढसर रह जाएगा। हिम्मत खलास। डोरे डालना माने आंख लड़ाना। परम धाम यहाँ नहीं है, परम धाम यहाँ नहीं है। परम धाम जैसी स्टेज तुम यहाँ बना लेते हो, परम धाम जैसा वातावरण 9 लाख आत्माएं बना लेंगी, जहाँ संगठित रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है। उसी स्पेस में सूरज चांद सितारे हैं और उस स्पेस के भी चारों ओर परम धाम है। परम धाम ऐसी आत्मिक स्टेज का धाम है जहां जड़त्वमयी आत्माएं पृथ्वी के नजदीक नजदीक हैं और जितनी ही चैतन्य आत्माएं हैं उतनी ही पृथ्वी से दूर दूर है। दिन कभी ऐसा होता है कि हम देखना नहीं चाहते हैं किसी के पाप कर्म को,
लेकिन अचानक दिखाई पड़ जाता है, तब क्या करेंगे? तो रास्ता नहीं बताया है। खुशरास किसी आत्मा को हम रास्ता क्यों दिखाएं? हमारे रास्ता दिखाने से कोई ने माना कभी? बाप को उठा के दे दे, जो हमने देखा जो हमने सुना वो सारा हम अपने ऊपर बोझ क्यों रखे हैं? उठा करके बाप को दे दे, हमारा बोझ खत्म। हम तो किसी का उद्धार करने वाले हैं नहीं। सबको सुधारने वाला तो एक ही है, बाकी तो सब सबको नीचे गिराने वाले हैं। हो गया।